हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। माय नेम इज निखिल एंड यू ऑल आर वाचिंग NJ23। सो आज लेंस यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट साइड में एक मैदान है इधर हूँ। तो आज है होली का दिन, तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और आज वैसे तो मैंने होली नहीं खेला है क्योंकि ड्यू टू कोरोना रीजंस। गाइज ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कल लास्ट वाले वीडियो में आपको बोला था कि मेरे इसके ऊपर टर्पेंटाइन या कुछ तो गिरा है। सो गाइज ये मेरी बाइक है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कलर कैसा डैमेज हो गया है। तो ये किस वजह से हो गया मेरे को आइडिया नहीं है। तो मैंने ये दिखाया था सर्विस सेंटर में, तो वो लोग बोले कि ये टर्पेंटाइन की वजह से हो गए, तो किसी ने तो टर्पेंटाइन डाला रहेगा। तो ये पूरा पैनल पूरा गंदा दिख रहा है बाइक में, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन रहेगा तो मुझे कमेंट कीजिए नीचे। टर्पेंटाइन या कुछ तो गिरा है, तो वो टर्पेंटाइन नहीं है एक्चुअल में, वो फ्लेमेबल अपना ये ब्रेक ऑयल रहता है ना, तो ब्रेक ऑयल का सील टूट गया था तो उसके वजह से उसके ऊपर गिरा है और वो धूप की वजह से जल गया है पूरा। तो मैं आपको एक पास जाके ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या टूटा है। वो रिजर्वायर रहता है ना, ये वाला रिजर्वायर रहता है, इसके यहाँ पे एक ये अपना वॉल है वो टूट चुका है, तो टूट गया मतलब लीकेज हो गया उसको। सो गाइस ये ऑयल देख सकते हैं आप लोग हाथ पे, तो ऐसा ऑयल आ रहा है इधर से। तो मैं आपको जूम में एक वीडियो दिखाता हूँ उसके ऊपर, जूम मतलब जूम क्लासेस नहीं, जूम करके दिखाता हूँ वीडियोस। और मैं यहाँ पे अकेला नहीं आया हूँ, एक दोस्त के साथ में। तो अभी चालू करते हैं, आपको वीडियो दिखाता हूँ कि कौन सा सील टूटा और कैसे टूटा। सो गाइस ये अंदर ये वाला सील, इधर से ये रबर निकल चुका है पूरा, तो उधर तक मेरा हाथ भी नहीं जा रहा है। तो ये जो रबर है ये निकल चुका है, इसके वजह से पूरा ये ड्रेन हो चुका है, इसके अंदर ऑयल ही नहीं है। और ब्रेक का ट्रैवल आप देख सकते हैं, इधर तक लूज है पूरा और इधर आने के बाद टाइट है, तो ऐसे ही हिल रहा है ये क्योंकि इसके अंदर ऑयल ही नहीं है। और ब्रेक भी लगता नहीं है, जाते इधर तक नहीं आता है, इसके आगे ब्रेक लगने चालू होते हैं इतने से इसमें, तो अगर मेरा फिंगर बीच में है तो फंस जाता है पूरा फिंगर। और बाकी उसके वजह से ये सब कुछ जल गया धूप की वजह से, तो अगर उसके वजह से ये धूप की वजह से जल गया पूरा, तो इसका अभी मेरे को ब्रेक ऑयल चेंज कराना पड़ेगा, वो चेंज कराऊंगा कल तक। आज तो होली है, गैरेज हो गए सब बंद रहेगा और सर्विस सेंटर्स भी बंद है आज, तो उनको दिखाना भी है कि कलर निकल रहा है। तो गाइस ऐसे ही एक अपडेट वीडियो बनाया था मैंने, और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपने होली नहीं खेला है तो नीचे कमेंट कीजिए, हैंड रेस कीजिए ऐसे, क्योंकि सुबह से मेरे को भी बहुत बोर हो रहा था कि होली नहीं खेल रहा हो एंड ऐसा। लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स है जो गवर्नमेंट ने बनाए तो हमें उसको फॉलो करने चाहिए। तो पिछले साल भी तो थोड़ी ना होली खेले थे हम लोग, और आप लोगों ने भी किया होगा कंट्रोल, गए नहीं होंगे खेलने के लिए। तो वैसे भी मेरे बाइक के ऊपर होली का कलर गिरा था, मैंने सुबह से साफ किया बाइक बहुत। और अभी टाइम हो रहा है 6:19, तो आज का ब्लॉग इधर ही एंड करता हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल सा ब्लॉग था क्योंकि मेरे को खाली एक्सप्लेन करने का था कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि बाकी लोगों को लगेगा कि ये टर्पेंटाइन हो गया, किसने तो आके डाला है करके बाइक के ऊपर। सो गाइज अगर इधर तक देख लिया होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस आल्सो। साइनिंग आउट NJ23, बाय एंड हैप्पी होली। विद दैट सेड सब्सक्राइब टू माय चैनल, विद दैट सेड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं एंडिंग कैसा करता हूँ? तमता बड़े है ड्राइवर भाई।